नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट बैचेस के सभी डिवाइसेस को ऑलमोस्ट MIUI 11 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन दोस्तों फिर भी मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि Redmi Note 7S, Redmi Note 7 या फिर Note 7 Pro, Redmi Y2 या फिर Redmi का Note 5 Pro, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस का अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों, इन सभी डिवाइसेस को ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेटिंग्स, मतलब कि कुछ फोन्स के सेटिंग्स या फिर कुछ टिप्स बताने वाला हूं, जिसके जरिए आपके फोन्स के अंदर तुरंत ग्लोबल स्टेबल अपडेट रिसीव हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जो कि फर्स्ट बैचेस के सभी डिवाइसेस, उन सभी डिवाइसेस को ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना कब का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन काफी सारे लोगों का अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिला है। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी डिवाइसेस का MIUI 11 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद कौन कौन से चेंज लव फीचर्स देखने को मिल चुका है, सभी डिवाइसेस का फुल फीचर्स का रिव्यू देखना है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि Redmi Note 7, Note 7S या फिर कौन सा भी डिवाइसेस के बारे में अभी तक हमारे डिवाइस में अपडेट देखने को नहीं मिले। लेकिन दोस्तों, इन सभी डिवाइसेस को ऑलमोस्ट अपडेट देखने को मिल चुका है, मतलब कि कब का अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ सेटिंग्स, मतलब कि कुछ टिप्स बताने वाले, जिसके जरिए आपके फोन के अंदर OTA के जरिए, मतलब कि अपडेटर के थ्रू आप अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके फोन के अंदर मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई का पूरा फास्ट इंटरनेट होना जरूरी है। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आप फोन सेक्शन में चेक करके देखेंगे Apple सिस्टम अपडेट, एंड सिस्टम अपडेट ओपन करने के बाद आपको ऊपर की 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपडेटर सेटिंग्स का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको अपडेट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। एंड अपडेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद काफी सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, नीचे की तरफ से देख सकते हैं रिसीव अपडेट्स अर्ली, काफी सारे लोग यहाँ पर भूल जाते हैं, उसके ऊपर इनेबल कर देना। तो आपको सभी ऑप्शन के ऊपर एक बार इनेबल कर देना है। तो डाउनलोड ऑटोमेटिकली, उसके बाद मोबाइल डेटा है, उसके बाद इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, उसके बाद दोस्तों रिसीव अपडेट अर्ली, सभी ऑप्शन को आपको एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों, इनेबल करने के बाद आपको जो अपडेटर है उस अपडेटर में आना है, और आपको बार बार यहाँ पर टैप कर देना है, क्योंकि दोस्तों अपडेट आता है लेकिन अपडेट आने के बाद फिर भी आपके फोन में अपडेट शो नहीं हो रहा, तो आपको बार बार इसमें रिट्राई कर देना है। एंड बार बार इसमें टैप करने के बाद, मतलब कि रिट्राई करने के बाद आपके ऊपर तुरंत अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो भी ऊपर लेटेस्ट वर्जन का अपडेट रोलिंग आउट होना है उसके ऊपर अपडेट शो हो जाएगा। और दोस्तों, इतने सारे स्टेप करने के बाद भी अगर अपडेट शो नहीं हो रहा, तो आपको नीचे जाना है मी अकाउंट के सेटिंग्स पर, क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोग यहाँ पर मी अकाउंट के ऊपर लॉगिन करना, मतलब कि साइन इन करना भूल जाते हैं। दोस्तों, जो भी अपना मी अकाउंट का आईडी, उस मी अकाउंट की आईडी से आपके ऊपर साइन इन कर देना है, और पुराना आईडी हो तो यहाँ पर पुराना आईडी यहाँ पर चलेगा। और दोस्तों, इतने सारे स्टेप करने के बाद भी अगर आपके फोन में अपडेट यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो आपके ऊपर मैनुअल अपडेट इंस्टॉल करना होगा। तो मैनुअल अपडेट इंस्टॉल करने के लिए आपको चूज अपडेट पैकेज से आपको जिप फाइल डाउनलोड करके मैनुअली अपडेट इंस्टॉल करना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बस ये पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला, किस तरह से आपका अपडेट मैनुअली या फिर अपडेटर के थ्रू किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।